तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार पहले क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके वजह से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 6.23% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से भी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 20.05 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 22.10 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 23.85, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 25.75 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 29 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 32-35 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 18.95 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक को 17.70 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 16.70 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।